नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फायर सेफ्टी एकेडमी में। आज एक बार फिर से हम एक वैकेंसी लेके आए हैं जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कई सारी वैकेंसी निकाली गई हैं पिछले एक डेढ़ महीने में। पहले निकाली गई थी ईस्टर्न रीजन में, फिर निकाली गई साउदर्न रीजन में, फिर अब निकाली गई है वेस्टर्न रीजन के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फायर एंड सेफ्टी के लिए, फायर सर्विस के लिए निकाली गई है। तो प्रीवियस अगर आपने जॉब वैकेंसीज नहीं देखी हैं तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर सर्विस वेस्टर्न रीजन के लिए जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड। इस वीडियो में प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कितनी एप्लीकेशन फीस है, लास्ट डेट क्या होने वाली है और क्या सिलेबस होने वाला है। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फायर सर्विस का प्रीवियस पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने सिलेबस और प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो वो वीडियो को आप ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो कि एक पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। तो ये जो वैकेंसी है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए है जो कि भारत सरकार की एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। ये वैकेंसी नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए है जो कि वेस्टर्न रीजन के लिए है। वेस्टर्न रीजन का मतलब अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा के निवासी हैं सिर्फ तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आप इन स्टेट्स से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो जो एप्लीकेशन ओपन होने की डेट है वो 15/10/2022 है और जो लास्ट डेट है वो 14/11/2022 है। जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखा जाएगा और एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा वो 30/9/2022 तक काउंट किया जाएगा। अब अपनी पोस्ट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो जो हमारी पोस्ट कोड है वो है 6, पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, टोटल वैकेंसी है 23 और बाकी जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया हुआ है जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पे स्केल दिया हुआ है 31,000 से 92,000 के बीच में। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 30 साल के बीच में एज होनी चाहिए जो कि 30/9/2022 को काउंट की जाएगी। अब देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो हमारी पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, इसके क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आप 10वीं पास हैं और आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, फायर या फिर किसी भी क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप 12वीं पास हैं रेगुलर स्टडीज से और आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेन है वो है ड्राइविंग लाइसेंस का, आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। दूसरा जो है वो है मीडियम व्हीकल लाइसेंस, जो कि पोस्ट की नोटिफिकेशन है 30/9/2022, उससे कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। या फिर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस इशू होना चाहिए जो कि 30/9/2022 को कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। इसमें फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट का कुछ क्राइटेरिया है। तो आई साइट जो है वो 6/6 होनी चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए विजन, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए और कुछ इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें जो फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट है मेल और फीमेल के लिए अलग अलग दी हुई है। हाइट होनी चाहिए मिनिमम 167 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। वेट जो होना चाहिए 55 केजी से कम नहीं होना चाहिए मेल के लिए और 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए फीमेल के लिए। हियरिंग और स्पीच जो है ये दोनों में नॉर्मल होना चाहिए। जो एज लिमिट यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है वो सभी डिसिप्लिन के लिए एक बराबर है। एज लिमिट है वो 18 से 30 साल की होनी चाहिए 30/9/2022 को। इसमें जो रिलैक्सेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्लाई होती हैं वो सारी 3 साल 5 साल 10 साल। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, अगर आप जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी किसी भी तरीके की सर्जरी नहीं होनी चाहिए, मेजर ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए जिससे कि आपकी फिजिकल फिटनेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो पहला स्टेप है वो है रिटन एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए आपके एग्जाम में 2 पार्ट होंगे, यानी कि जो आपका CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, उसके 2 पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट होगा उसमें 50% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होंगे। पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन होंगे। इससे रिलेटेड मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा, इसका सिलेबस क्या होने वाला है और प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेटेड रह सकते हैं।
इसके जो मार्क्स होंगे पर क्वेश्चन के, वो अगर आपने सही आंसर दिया है तो एक एक मार्क्स होंगे। दोनों पार्ट्स में 50-50 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा। यहाँ पे एक चीज़ स्पेसिफाई की गई है कि जो आपका पेपर होगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कि अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपको कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा। सेकेंड स्टेप जो है वो सर्टिफिकेट या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन है और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब वेरीफाई किए जाएंगे। उसके बाद अगर आप फायर सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो कि एक एडिशनल स्टेप है फायर सर्विस के कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपका मेडिकल फिटनेस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जो कि सिर्फ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के कैंडिडेट्स के लिए अप्लीकेबल है। एक चीज़ जो ध्यान रखनी है कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें अपीयर होने के बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करना है। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में फेल होते हैं तो आपको आगे का जो फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा उसमें आपको नहीं जाने दिया जाएगा, आपको वहीं पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो CBT क्लियर करने के साथ साथ आपको ड्राइविंग टेस्ट भी क्लियर करना है, तभी आप फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट तक पहुंच पाएंगे। जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा ये लाइट मोटर व्हीकल पे होगा, यानी कि फोर व्हीलर कोई छोटी गाड़ी होगी, कार जैसा। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कि फायर सर्विस के लिए है, सिर्फ इसमें क्या क्या देखा जाएगा, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग कुछ क्राइटेरिया है और मेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया है। तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से देख लें इसे। मेल है, मेल के लिए क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, तो इसमें 100 मीटर की रनिंग है, वो सेकंड्स के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। रो क्लाइंबिंग है, 8 मीटर की पोल क्लाइंबिंग है, 60 मीटर का रन है ह्यूमन डमी के साथ, जो कि हो सकता है फायरमैन लिफ्ट के द्वारा आपको ये लेके जाएंगे। और जो ह्यूमन डमी होगी वो 50 kg की होगी। फुल लेडर क्लाइंबिंग, उसका भी सेकंड्स काउंट किया जाएगा और आप उसके जो आपका परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे कि 100 मीटर की जो रेस है वो आपको 16 सेकंड में मेल के लिए और 19 सेकंड में फीमेल के लिए ये क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई होते हैं तो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि यहाँ पे 100 मार्क्स का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, जिसमें से आपको मिनिमम 60 मार्क्स अचीव करने हैं। सारा स्टेप क्लियर होने के बाद आपको 18 वीक के लिए बेसिक ट्रेनिंग कोर्स के लिए भेजा जाएगा, जिसमें 2 वीक की जो ट्रेनिंग होगी वो आपका हैवी व्हीकल को जो मेंटेनेंस और ड्राइविंग होता है उससे रिलेटेड होगा। जो ट्रेनिंग पीरियड होगा आपका 18 महीने का, उसमें आपको 25,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप जनरल या फिर OBC कैंडिडेट्स हैं तो 1,000 रुपये इसकी अप्लीकेशन फ़ी निर्धारित की गई है। और भी बहुत सारे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं आपको बोलूँगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए और उसे पढ़िए ज़रूर एक बार, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकता है। तो एक बार पढ़ें जरूर। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल इन्होंने दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, स्टेप 1 में, स्टेप 2 में, तो ये सब ज़रूर देखें। फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर किस फॉर्मेट में होंगे, क्या साइज़ होगा, ये सारे गाइडलाइंस यहाँ पे दिए गए हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कुछ बॉन्ड का सिस्टम है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम पीरियड के अंदर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको कुछ पेमेंट करना पड़ता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो। तो सिंपली आप गूगल कर सकते हैं AAI.AERO। यहाँ पे जो आपको रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे AAI.AERO टाइप कर सकते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट खुल के आएगी, उसका लेआउट कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक करियर का सेक्शन दिखाई देगा, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया लेआउट खुल के आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर AI वेस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आप देख रहे हैं अपडेट हुई है 12/10/2022 को। कोई अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक खुल जाएगी तो यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, आप क्लिक करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसे ही जॉब अपडेट्स और फायर सेफ्टी से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पे ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रीवियस पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद।